दोस्तों नमस्कार वेलकम टू तो दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप टेन क्लासेस तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुलाम के नियम का सदिश रूप यानी कुलाम के नियम को इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कुलाम के नियम के परिमाण को व्यक्त कर लिए थे कुलाम के नियम के परिमाण क्या होते हैं उन्होंने उसमें हमने पढ़ा था एफ बराबर क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क आज उन्हीं के सदिश रूप का हम लोग निरूपण करेंगे तो प्यारे बच्चों जो एक बार चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे आइए आपके समय को नुकसान ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो आज की टॉपिक क्या है गुलाम के नियम का सदिश रूप क्या है कुलाम के नियम का सदिश रूप तो कुलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है तो यहां मानते हैं, माना दो आवेश हैं Q1 और Q2, माना दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो कि x अक्ष अच्छा और y अक्ष अच्छा पर इस प्रकार स्थित हैं, जिस प्रकार आपको चित्र में दिखाया गया आप देख सकते हैं हमने क्या बताया एक एक्स अच्छे एक वाई अक्ष ले लिए जिसका मूल बिंदु क्या है ओ है। तो ओ के सापेक्ष दूरी पर एक आवेश Q1 स्थित है और R2 टू दूरी पर एक आवेश क्यू टू स्थित है दो आवेश स्थित है एक, एक, एक Q1 आवेश एक Q2 आवेश स्थित है मूल बिंदु से R1 दूरी पर है और Q2 जो है वो मूल बिंदु से R2 दूरी पर है इतनी बात क्लियर हो गई कोई दिक्कत अब आइएगा अब हम इस पे क्या करते हैं यहां देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं दोनों जो है धनावेश हैं ये दोनों q1 और q2 क्या हैं धनावेश हैं तो q1 वाला q2 पर बल लगाएगा कौन सा बल लगाएगा कौन सा बल लगाएगा प्रतिकर्षण बल लगाएगा कौन सा बल लगाएगा प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो q1 के कारण q2 पर लगने वाला बल क्या लिखेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी ए इधर की तरफ बातें जरा सा समझिएगा Q1 के कारण Q2 पर ये क्या है प्लस है ये ये प्लस है ये इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा यानी एक दूसरे को दूर की तरफ ठेलेगा तो इस पे ये जो लगने वाले बल की दिशा है किस पे लग रहा है दूसरे आवेश पे लग रहा है किस पे लग रहा है दूसरे पर किसके द्वारा लग रहा है पहले के द्वारा तो नाम हो गया एफ टू एन F21 दो का मतलब दूसरे पे लग रहा एक का मतलब पहले के द्वारा लगाया गया बल यानी इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा F21 हो गया अब वही काम ये भी करेगा Q2 भी आवेश Q1 पर बल लगाएगा Q2 आवेश भी Q1 पर बल लगाएगा तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल की दिशा इधर की तरफ होगी ये भी प्रतिकर्षित करेंगे अब बताइए किस पे लग रहा है पहले पे लग रहा है ना किसके द्वारा लग रहा है दूसरे के द्वारा तो पहले पे लगने वाला बल F1 किसके द्वारा लग रहा है दूसरे के द्वारा एफ वन टू हो गए यानी लगने वाले बल की दिशा एफ वन टू हो गए यहाँ तक क्लियर हो गए अगर आप लिखना चाहते हो तो जरूर ये बातें नोट कर सकते हो क्या नोट कर सकते हो कि माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 मूल बिंदु O से R1 और R2 दूरी पर स्थित है इतना लिख सकते हैं आइए क्या लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, Q1 व Q2 मूल बिंदु ओ से आर वन R2 टू दूरी पर स्थित है आर वन व आर टू दूरी पर स्थित है।, है इतनी बातें आपने लिख लिया आगे क्या है अब ध्यान दीजिएगा e F12 टू आपने दिखाया क्या है एफ वन टू एफ वन टू एफ वन टू क्या है एफ वन टू आपने क्या बताया अब बताइए क्या है दूसरे के कारण यानी क्यू टू के कारण क्यू वन पर लगने वाला बल तो लिख सकते हैं एफ टू क्या है क्यू टू आवेश के कारण क्यू टू आवेश के कारण क्यू वन पर लगने वाला बल क्यू वन पर लगने वाला बल लगने वाला बल इतनी बातें क्लियर हुई आगे ध्यान दीजिएगा फिर क्या है F21 टू वन तो एफ टू वन क्या है वन के कारण पहले के कारण दूसरे पे लगने वाला बल तो यहाँ लिखेंगे एफ वन टू एफ वन टू क्या है F12 वन टू क्या है लिखेंगे इसके बारे में तो ये किसके कारण लग रहा है क्यू वन के कारण किसके कारण लग रहा है क्यू वन के कारण किस पे लग रहा है क्यू टू पर तो क्यू वन के कारण क्यू टू पर लगने वाला बल लगने वाला बल आगे ध्यान से समझिएगा अब आगे क्या है अब आइए ध्यान से देखिएगा अब इसकी इसके सापेक्ष कितनी स्थिति है यानी यह इससे कितना दूरी पर है और यह इससे कितना दूरी पर है यह बातें समझिएगा तो आप जरा से यहाँ एक बात समझिएगा यहाँ आपको समझाने का मतलब क्या निकलने वाला है की, Q1 की स्थिति सदिश Q1 की स्थिति सदिश O के सापेक्ष नहीं Q1 कहां स्थित है इसके सापेक्ष बताओ इसकी तुलना में Q1 कहां पर है और इसकी तुलना में Q2 टू कहां पर है तो ये बातें समझिएगा तो मानते हैं जो ये Q1 है Q1 की जो स्थिति सदिश है वो यहां से लेके यहां तक है वो है R12। अब कहोगे सर ये स्थिति सदिशत तो वेक्टर लगा दिए अब आपको तुरंत ये पूछना चाहिए कि यहाँ आप वन टू क्यों लिखे पहले वन लिखे फिर टू क्यों लिखे तो प्यारे बच्चों ये जरूर ध्यान दीजिएगा यहां बातें क्या होती हैं कि ये तीर जिस तरफ लगा रहता है ये तीर जिस तरफ होता है देखिए तीर की दिशा किधर है टू की तरफ है तीर की दिशा किधर है टू की तरफ है तो वो क्या बता रहा है कि जो इसकी स्थिति सदिश है दूसरे के सापेक्ष जो इसकी स्थिति सदिश है वो क्या है आर वन टू है तो यहां ध्यान दीजिएगा Q1 की स्थिति सदिश कौन है आर वन टू है तो Q2 की स्थिति सदिश क्या हो जाएगी Q2 की स्थिति सदिश हो जाएगी आर टू वन क्या हो जाएगी आर टू वन ध्यान से समझिएगा हमने क्या कहा क्यू वन की स्थिति सदिश आर वन टू है और क्यू टू की स्थिति सदिश क्या है आर टू है तो लिख सकते हैं आप क्या लिखेंगे आर वन टू आर वन टू आर वन टू क्या है ध्यान से समझिएगा आर वन टू क्या है क्यू वन की स्थिति सदिश क्यू टू के सापेक्ष लिखेंगे आप Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की स्थिति सदिश, ठीक इसी प्रकार R21 क्या है R21 क्या है R21 है Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश, Q2 की स्थिति सदिश आगे ध्यान दीजिएगा. इतनी बातें क्लियर हो गई अब आगे हम लोग क्या करते हैं ध्यान से आप समझिएगा जरा सा अब हम लोग लिखेंगे कुलाम के नियम का जो सदिश रूप है कुलाम के नियम का सदिश रूप तो हम जानते हैं Q1 और Q2 के कारण Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला बल है वो कुलाम के नियम से क्या हमने पढ़ा था इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो इनके प्रकृति पर निर्भर करने वाला है कि कौन एक प्लस है एक माइनस होंगे तो वो क्या करेंगे वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे यानी अगर ए, ये अगर प्लस है और माइनस है विजाति हो जाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और सजाती हो जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे तो यहाँ क्या है दोनों देखिए आपके क्या है ये दोनों आपके क्या है सजाती हैं इसलिए इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा तो लिखेंगे क्या लिखेंगे गुलाम के नियम से अब ध्यान से समझिएगा तो यही इन दोनों को निकालना है क्योंकि यही इन, यही इन, दोनों आपके क्या है सदिश रूप है तो प्यारे बच्चों सदिश रूप निकालने से पहले एक बात जरा सा याद कराते हैं कि आप क्या लिख सकते हैं कुछ ऐसे ये जो R12 है ये जो R12 है और जो ये R21 है ये स्थिति सदिश है Q1 का Q2 के सापेक्ष और Q2 का Q1 के सापेक्ष तो यहां इनको हम ऐसे लिख सकते हैं आपने कक्षा ग्यारह में पढ़ा होगा एकांक सदिश एक मात्रक सदिश क्या होती है वे सदिश जिनका मान क्या होता है एक होता है और ये केवल दिशा को व्यक्त करते हैं ये केवल दिशा को बताते हैं कि इसकी दिशा इधर की तरफ है तो ये क्या बताएंगे केवल दिशा को बताएंगे तो एक बात ध्यान से समझिएगा यानी हम यहां लिख सकते हैं ये जो r12 है <coughs> ये जो r12 है इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं ये r12 को लिख सकते हैं r चलिए तो प्यारे बच्चों हम क्या चर्चा कर रहे थे आर वन टू आर वन टू को क्या लिख सकते हैं तो आर वन टू को हम लिख सकते हैं आर वन टू का कैप आर वन टू का कैप ये क्या है ये आपका एकांक सदी है क्या है आपका एकांक सदी ध्यान से समझिएगा ये आपका क्या है एकांक सदिशा ये केवल क्या बताएगा दिशा बताएगा क्या बताएगा लगने वाले बल की दिशा अब देखिए ये R12 यानी इसके कारण जो लगने वाला बल है वो पहले से दूसरे आवेश की तरफ है इसके कारण जो लगने वाला बल है वो पहले से दूसरे आवेश की तरफ है इसी प्रकार अगर आप आर का लिखना चाहते हैं तो इसे लिख देंगे आर का कैप क्या लिख देंगे आर का कैप इस प्रकार आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इस प्रकार देखिए आर टू वन को क्या लिख दिए भी आपका क्या है एकांक सदी ही है ये भी क्या है एकांक सदी हमने बताया कि जैसा कि हमने आपको बताया एकांक सदी का काम केवल ये रहता है कि वो दिशा को बताते हैं अब आप देख सकते हो कि यहाँ दिशा कैसे बता रहा है आर वन टू आर वन टू यानी पहले से दूसरे की तरफ पहले से दूसरे की तरफ पहले से दूसरे की तरफ तो इसके कार लगने वाला जो बल होगा वो पहले से दूसरे की तरफ हो जाएगा और इसके कार जो लगने वाला बल है वो दूसरे से पहले की तरफ हो जाएगा तो आइए हम लोग देखते हैं तो गुलाम के नियम से गुलाम के नियम से गुलाम का नियम क्या है म के नियम से लगने वाला जो बल था वो क्या था आपने पढ़ा होगा पिछले वाले क्लास में एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्र ये था अब हम चर्चा किसका करने वाले हैं अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं एफ वन टू और एफ टू वन का तो आइए एफ टू निकालते हैं क्या निकालते हैं एफ वन टू तो ध्यान से समझिएगा एफ टू कैसे निकलेंगे के क्यू वन क्यू टू अपान आर क्या कर लिए अपान क्या कर लिए आर स्क्वायर कर लिए ध्यान से समझिएगा यफ वन टू बराबर के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर हो गए ये बातें इतनी क्लियर हो गई आगे साथ में अब हम लोग दिशा को दिखाएंगे किसको दिखाएंगे दिशा को व्यक्त करेंगे तो आइए दिशा को दिखाएंगे तो यफ वन टू एफ वन टू तो की दिशा कौन बता रहा है यू की दिशा कौन बता रहा है ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों टू की दिशा कौन बता रहा है यू की दिशा ये बता रहा है आर टू वन दूसरे से पहले की तरफ दूसरे से पहले की तरफ यहां क्या लगा देंगे आर टू वन का कैप लगा देंगे तो इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा ये हो जाएगी। अब आप ध्यान से समझिएगा। अब हमको कौन सा दिखाना है? F12 नहीं, F21 बताना है, F21 बताना है। तो F21 के लिए क्या हो जाएगा? वही K Q1 Q2 upon R इसके आर। अब इसकी दिशा बतानी है। तो इसकी दिशा आप देख सकते हैं। किधर है इसकी दिशा कौन बता रहा है आर वन टू और आर वन टू क्या बता रहा है पहले से दूसरे की तरफ यहां लगा देंगे आर वन टू का कैप तो इस प्रकार जो आपका बल था जो गुलाम के नियम का जो गुलाम के नियम के द्वारा लगने वाला जो बल था उसको आपने सदिश रूप में निरूपित कर लिए देख सकते हैं आप एफ वन टू और एफ टू वन प्यारे बच्चों अब ध्यान से समझिएगा यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम पी पॉइंट वो क्या है आप वो जरा सा गौर दीजिए देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये R12 और R21 दोनों आपस में क्या है बराबर है

आर वन टू का विक्टर बराबर आर टू वन बराबर तो है ये कब बराबर है पर इनके क्या लग गए दिशा विपरीत थी इसलिए क्या लगा दी माइनस लगा दी तो आर वन टू आर टू वन जब आपस में बराबर है तो हम यहां लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहां अगली पॉइंट क्या नोट कर सकते हैं हम लोग यहां क्या बता सकते हैं आगे हम लोग ये बता सकते हैं अतः तो तब तब समीकरण एक तब समीकरण एक व दो से क्या लिखा जा सकता है एफ वन टू और एफ टू वन भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे एफ वन टू बराबर एफ टू वन कब होंगे बराबर जब माइनस लगाओगे यानी ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो इस पॉइंट से आपको क्या मिला आपको याद आ रहा होगा आपने गति का तृतीय नियम पढ़ा था तो इस इससे क्या हो रहा है यानी कुलाम का जो नियम है वो कुलाम का नियम गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है यानी कुलाम के नियम से गति के तृतीय नियम की व्याख्या किया जा सकता है आपने गति का तृतीय नियम क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु पे जितना बल हम लोग लगाते हैं वो वस्तु भी हम लोगों पे उतना बल लगाती है क्या पढ़ा था आपने यदि हम किसी वस्तु को इतना बल लगा के ठेलेंगे तो ये वस्तु भी हम लोगों को उतना ही बल लगा कर ठेलेगा परंतु हम लोग इधर की तरफ लगाएंगे तो ये हम लोगों को इधर की तरफ लगाएगा यानी हमारे द्वारा लगाए गए बल्कि विपरीत लगाता है इधर की तरफ पुश कर रहे हैं तो वो इधर की तरफ पुश करेगा तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि गुलाम का जो नियम है उसके नियम से गति के तृतीय नियम की भी व्याख्या कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते होंगे कि आज के बाद आपको गुलाम के नियम का जो सदिश रूप है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा अगर कहीं भी अभी भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत